शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। अत्रि अनसुया के पुत्र चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। सर्वाधिक सुंदर पत्नी रोहिणी पर चंद्र ऐसे आसक्त हुए कि उनकी 26 पत्नियां रुष्ट होकर अपने पिता के घर चली गईं। इस घटना से चिंतित होकर चंद्रदेव के माता पिता अत्रि अनसुया ने भगवान दत्तात्रेय का आह्वान किया। उनसे चंद्र के भविष्य के विषय में पूछा। दत्तात्रेय ने चंद्र को सावधान करने का परामर्श दिया। उसी समय दक्ष प्रजापति तथा चंद्रदेव वहां पहुंचते हैं। माता पिता के अनुरोध पर चंद्र अपने श्वसुर दक्ष को आश्वासन देते हैं कि वे अपनी 26 पत्नियों को अपने पास बुला लेंगे, परंतु उनका यह आश्वासन कोरा आश्वास सिद्ध होता है। रोहिणी में आसक्त चंद्र अपना वचन भूल जाते हैं। अपनी 26 पुत्रियों का शोक देखकर उनकी माता वीरणी प्राण त्याग के लिए प्रस्तुत होती हैं। तभी नारद मुनि वहां पहुंचकर उन्हें समझाते हैं, परंतु दक्ष का क्रोध जागृत हो जाता है। चंद्र के वचन भंग से कोपायमान दक्ष प्रजापति चंद्र को क्षय पीड़ित होने का शाप देते हैं। चंद्र का तेज क्षीण होने लगता है। तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। चंद्र के शापग्रस्त होने से जल तत्व की कमी होने लगती है। इस दुर्दशा का समाचार लेकर इंद्र तथा सभी देवतागण ब्रह्मदेव की शरण में जाते हैं। ब्रह्मदेव चंद्र की शाप मुक्ति का उपाय बताते हैं। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा भगवान शिव की आराधना। ब्रह्मदेव से ये उपाय जानकर देवर्षि नारद शापग्रस्त चंद्रदेव तथा रोहिणी को प्रेरणा देते हैं कि प्रभास तीर्थ पर जाकर वे महामृत्युंजय मंत्र द्वारा निष्ठापूर्वक शिव आराधना करें। तत्पश्चात चंद्र तथा रोहिणी प्रभास तीर्थ के समुद्र तट पर जाकर निष्ठा सहित महामृत्युंजय मंत्र द्वारा शिव आराधना करते हैं। चंद्र रोहिणी की जाप ध्वनि कैलाश पर गूंजने लगती है। देवी सती शिव से प्रार्थना करती हैं
कि वे चंद्र रोहिणी की प्रार्थना सुनकर रोहिणी और उसकी 26 बहनों के सुहाग की रक्षा करें। आशुतोष शिव चंद्र रोहिणी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रभास तीर्थ पर प्रकट होकर चंद्रदेव को रोग मुक्ति का वरदान देते हैं तथा आराधित शिवलिंग को अपनी ज्योति प्रदान करते हुए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना से अनेकों शिव भक्त रोग मुक्त हो जाते हैं। स्वामी, क्या बात है? देवी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। हाँ स्वामी, और मेरी प्रसन्नता का कारण जानकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। अवश्य, तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है देवी। अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। स्वामी, एक बहुत भव्य महायज्ञ होने जा रहा है। महायज्ञ? कौन कर रहा है ये महायज्ञ? मेरे पूज्य पिताश्री दक्ष प्रजापति। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है देवी। स्वामी, आप शिवगणों और रुद्रगणों को आदेश दीजिए, वो हमारे साथ यज्ञ में भाग लेने के लिए शीघ्र ही यहां आ जाए। किंतु किंतु देवी, आप यही कहना चाहते हैं ना? निमंत्रण नहीं आया, अभी आता ही होगा स्वामी। निमंत्रण नहीं आएगा देवी। क्या मेरे पिता दक्ष प्रजापति आपको निमंत्रण नहीं भेजेंगे? हाँ देवी, आपके पूज्य पिता ने मेरे गणों के साथ मुझे यज्ञ बहिष्कृत किया है। क्या आपको यज्ञ बहिष्कृत कर दिया? उनके द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन भी हमें अपमानित करने के लिए ही हो रहा है। किंतु स्वामी, आपको यज्ञ बहिष्कृत क्यों किया? प्रयाग यज्ञ में महाराज दक्ष प्रजापति के आगमन पर सभी ने शीश नवाकर उनका अभिवादन किया, मैंने नहीं किया। इसी अपराध के कारण उन्होंने मुझे यज्ञ बहिष्कृत कर दिया। ये तो कोई अपराध नहीं, पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि में अपराध है देवी। आपके पिता ब्रह्मांड अधिपति हैं। आप स्वयं ब्रह्मांड हैं, दक्ष उसके शून्य समान एक अंश, सूर्य और खद्योत की तुलना क्या? उन्होंने पद के अहंकार में आकर आपका अपमान किया है। स्वयं जानती हो देवी, अहंकार अपमान का, अपमान विग्रह का तथा विग्रह विनाश का जन्मदाता है। अस्तु, बीती बातों को भूल जाओ देवी। मैं कैसे भूल जाऊं स्वामी, मुझे तो ग्लानि हो रही है कि मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती। मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है। प्रतिशोध की ज्वाला विरोधी से पहले स्वयं को जला देती है। शांत हो जाओ सती, तथा अपने पिता को यहीं से क्षमा कर दो। सती शिव विरोधी को कभी क्षमा नहीं कर सकती।
दक्ष प्रजापति को अपने अहंकार पूर्ण निर्णय के लिए प्रायश्चित करना ही होगा। मैं उस यज्ञ में बिना निमंत्रण ही जाऊंगी। वहां तुम्हारा बहुत अपमान होगा देवी, कुछ लोग उपहास करेंगे, वहां जाने का हठ छोड़ दो। स्वामी, मेरी तीव्र व्याकुलता उस यज्ञ में जाए बिना शांत नहीं हो सकती। मेरी आपके चरणों में विनम्र विनती है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी, आज्ञा दीजिए। तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूं सती। नंदीश्वर, नंदीश्वर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, माता सती की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। सेवक के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? नंदीश्वर, अपनी माता को राजसी सम्मान के साथ दक्ष यज्ञ में ले जाओ। जो आज्ञा प्रभु। परमपिता, आप सबका दक्ष यज्ञशाला में हार्दिक स्वागत है। कृपा करके आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। परमपिता विधाता ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, देवताओं तथा समस्त पूजनीय ऋषि मुनियों की उपस्थिति में मैं भृगु ऋषि से अनुरोध करता हूं कि वो अब इस महायज्ञ का शुभारंभ करें। भृगु ऋषि, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, समस्त देवतागण, ऋषि मुनि सभी यथास्थान उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवादि देव महादेव शिव शंकर दिखाई नहीं दे रहे। उनके दर्शन होंगे भी नहीं दधीच ऋषि। कारण, जो दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं करते उन्हें इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। इसका निर्णय प्रयाग यज्ञ में हो चुका है। प्रयाग यज्ञ में भगवान शिव शंकर के प्रति जो कलुषित भाव दक्ष प्रजापति के हृदय में उत्पन्न हुआ था, क्या वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ? समाप्त होगा भी नहीं। भृगु ऋषि, आपसी द्वेष का धर्म से कोई संबंध नहीं होता, और कोई भी यज्ञ यज्ञेश्वर देवादिदेव भगवान शिव शंकर के बिना पूर्ण कैसे हो सकता है? आप क्यों चिंतित हो रहे हैं मुनिवर? शिव शंकर के होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उनके बिना भी यह महायज्ञ पूर्ण होगा। असंभव। इस यज्ञशाला में ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, ऋषि मुनि, देवतागण, आप सभी उपस्थित हैं। किसी ने यह जानने का प्रयत्न क्यों नहीं किया कि देवादिदेव यज्ञ स्वरूप महादेव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? आप व्यर्थ उत्तेजित हो रहे हैं दधीच ऋषि।
देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु, सृष्टि निर्माता ब्रह्म देव इस यज्ञ में विराजमान है। अन्य किसी की क्या आवश्यकता हो सकती है? महाराज दक्ष, भूल न कीजिए, सारे अमंगलों को दूर करने वाले मंगलमय भगवान शिव को बुलाना अति आवश्यक है। उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। हट न कीजिए महाराज दक्ष, भगवान शिव शंकर के बिना यह यज्ञ अधूरा रहेगा। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, आप सभी देवताओं को मिलकर भगवान शिवशंकर को बुलाने के लिए महाराज दक्ष से अनुरोध करना चाहिए। आप सब मौन क्यों हैं? मैं पुनः निवेदन करता हूं कि भगवान वृषभध्वज और माता सती को आदर पूर्वक यहां लाया जाए। महर्षि दधीचि जी, आप हमारे अतिथियों का अनुचित आह्वान कर रहे हैं। यह महायज्ञ हमारी इच्छा से हो रहा है। हमने जिसे चाहा उसे निमंत्रित किया और वे सब के सब यहां उपस्थित भी हैं। हमारे यज्ञ में विघ्न न डालें। कृपा करके आप अपना आसन ग्रहण कीजिए दधीचि ऋषि। महाराज दक्ष, आप भृगु ऋषि के समर्थन से भगवान शिव शंकर का अपमान करके अनर्थ को आमंत्रित कर रहे हैं। शान की भस्म रवाने वाला एक कपालिक आघोरी के ना होने से कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। अकेले भृगु ऋषि नहीं, समस्त ऋषि मुनि देवता हमारे साथ हैं। ये महायज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। कदापि नहीं होगा महाराज दक्ष। महादेव के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आपको नर्क की ज्वाला में ढकेल देगा। और ये मत भूलिए महाराज दक्ष कि भगवान शिव शंकर आपकी पुत्री के पति भी हैं। पिता श्री ब्रह्मदेव के कहने पर हमसे यह भूल हुई है। हमें तो अब ज्ञात हुआ है कि हमारा ये जामाता भूत प्रेत पिशाचों का स्वामी है। आत्म प्रशंसक तथा ईर्ष्यालु। कान खोल कर सुन लीजिए दधीचि ऋषि, औघर शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। धिक्कार ऐसे महायज्ञ को, मैं ऐसे शिव विरोधी यज्ञ का बहिष्कार करता हूं। स्मरण रहे महाराज दक्ष, इस हवन कुंड की अग्नि आपके लिए चिताग्नि बन जाएगी। हर हर महादेव। अच्छा हुआ शिव भक्त चले गए। अब ये यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होगा। मुझे संदेह है यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण नहीं होगा। हमारा आना ठीक नहीं हुआ, क्या यहां रहना उचित होगा? यदि हम यज्ञ का परित्याग करके चले गए तो ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा। क्षमा करें पर, क्षमा करें भगवान विष्णुदेव। गुरुजी, यज्ञ आरंभ करवाइए। यज्ञ आहुति आरंभ हो। ओम सदित्याय व्यानाय। ठहरो। माता सती, प्रणाम पिताश्री। बिना निमंत्रण यहाँ आने का कारण? मैं यहाँ यज्ञ में भाग लेने नहीं,
आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आई हूँ। हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। बाध्य होना पड़ेगा पिताश्री, अन्यथा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं का यज्ञ भाग देख रही हूँ, त्रिभुवनपति भगवान शिव शंकर का यज्ञ भाग क्यों नहीं है? यज्ञ भाग का अधिकारी वही होता है जिसे आमंत्रित किया जाता है। आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को क्यों नहीं निमंत्रित किया? यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ कर्ता यजमान है वे, उनके बिना यज्ञ पवित्र कैसे होगा? जो स्वयं अपवित्र है उसे निमंत्रण देकर हम अपना महायज्ञ अपवित्र नहीं करना चाहते। वेशधारी, तुम्हारे पति शिव को यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया गया है। किसने बहिष्कृत किया है? हमने। किस अधिकार से? ब्रह्मांड अधिपति के अधिकार से। आपको ब्रह्मांड अधिपति किसने बनाया? सृष्टि रचयिता परम पिता ब्रह्मदेव ने। आप जैसे अपात्र को ये महान उत्तरदायित्व देने वाला स्वयं अपराधी है। पिताश्री, अधिकार सदुपयोग के लिए होता है, दुरुपयोग के लिए नहीं। अधिकार निर्माण के लिए होता है, विध्वंस के लिए नहीं। तुम मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर रही हो सती। इसका उत्तरदायित्व भी आप पर है पिताश्री। पिता के स्नेह को प्रचंड क्रोध रूप ना दो, अन्यथा अन्यथा आप शाप दे डालेंगे। भ्रम में न रहिए पिताश्री, मैं उस शिव की अर्धांगिनी हूँ जिन्हें कोई शाप छू नहीं सकता। मैं उस अर्धनारीश्वर शिव का वो अंग हूँ जो सदा अजर अमर है। मैं उस शिव की सेविका हूँ जिनके नाम का जप करके चंद्रमा आपके शाप से मुक्त हो गए और मेरी 27 बहनों के सुहाग की रक्षा हुई। माता सती का कहना सत्य है। ये सत्य है, भगवान शिव शंकर की कृपा से ही चंद्रदेव के प्राणों की रक्षा हुई। सत्य है। देवी सती का इस प्रकार यज्ञ में विघ्न डालना उचित नहीं है। महाराज दक्ष का समर्थन करके महादेव को यज्ञ से बहिष्कृत करना, उन्हें यज्ञ भाग न देना, क्या ये उचित है भृगु ऋषि? आप तो मझधार में फंसी ऐसी नौका में बैठे हैं जिसमें पहले से ही छिद्र हो चुका है और वो कब डूब जाए इसका कोई पता नहीं। परिणाम जो भी हो मुझे उसकी चिंता नहीं, किंतु ये महायज्ञ अवश्य होगा। यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को मैं चेतावनी दे रही हूँ, आज वो इस यज्ञ का सुखांत या विध्वंस देख कर जाएंगे। यज्ञ विध्वंस का भय दिखाकर तुम हमें आतंकित करना चाहती हो? तुम्हारे ये शिवगण यज्ञ विध्वंस करेंगे? नहीं, यज्ञ विध्वंस भी आप ही करेंगे। यदि यज्ञ सफल करना चाहते हैं तो केवल एक ही विकल्प है, अहंकार त्याग कर कैलाश जाइए, भगवान शिव शंकर को आदर पूर्वक ले आइए, उन्हें यज्ञ भाग देकर अपना यज्ञ सफल कीजिए। दक्ष, सती का कहना उचित है, अहंकार त्याग कर इनकी बात मान लो। कैलाश जाकर महादेव को सम्मान पूर्वक ले आइए। दक्ष का निश्चय अटल होता है, शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। यज्ञ प्रणेता तथा सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से शिव को यज्ञ बहिष्कृत किया है। देवी सती को अपना हठ और दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। सती बेटी, यज्ञ आरंभ हो चुका है, आहुतियां पड़ चुकी हैं। यदि यज्ञ अधूरा रहा तो दुष्परिणाम होगा। मैं दक्ष और तुमसे शांत रहने का अनुरोध करता हूँ, यज्ञ पूर्ण होने दो। पितामह ब्रह्मदेव, लगता है पुत्र स्नेह जाग उठा है। वैकुंठनाथ, मैं आपसे पूछती हूँ, कैलाशपति भगवान रुद्र को भूलकर आप शिव विरोधी यज्ञ में उपस्थित हो गए? देवी, किसी महायज्ञ का निमंत्रण अस्वीकार करना अशुभ अकल्याणकारी होता है, इसलिए हमें यहां पर आना पड़ा। आप सब व्यर्थ में पश्चाताप कर रहे हैं। हम अपनी सभागिन पुत्री के अयोग्य पति को भली भांति जान गए हैं। वो एक धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट और
शमशानवासी है। पिताश्री। दक्ष, देवादिदेव महादेव के प्रति तुम्हें ऐसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाराज दक्ष, बार बार शिव निंदक शब्दों का प्रयोग कर आप पाप के भागी ना बने, इसका परिणाम भयंकर होगा। आप शांत होकर बैठ जाइए। नहीं, हम कदापि नहीं बैठेंगे। सती, हम तेरे कुल वही अघोरी कपालिक पति को कभी यहां नहीं बुलाएंगे। तुम्हारे मुख से बार बार शिव निंदा के शब्द सुनकर ये शरीर अपवित्र हो गया है। अब मैं कैलाश जा नहीं सकती, यहां रह नहीं सकती। तुम्हारी अपवित्र देह से निर्मित ये शरीर यही शिव चरणों में त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवम् जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो हतकल्मषः सति सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। माता, ये आपने क्या किया माता? हम भोलेनाथ को इसका क्या उत्तर देंगे माता? दक्ष, दक्ष, हम तेरे प्राण ले लेंगे। शिव द्रोही, अब तू बच नहीं सकता। अपहता असुराः रक्षांसि। भृगु ऋषि के तपोबल से उत्पन्न ऋभुओं, दुष्ट शिवगणों के प्राण ले लो, जाओ। Thank you.
बात है नंदीश्वर, तुम सब इतने भयभीत क्यों हो? नंदीश्वर, तुम्हारा मौन किसी अनिष्ट की सूचना दे रहा है, निसंकोच कहो क्या हुआ? हम लज्जित हैं प्रभु, हम अभी तक जीवित क्यों हैं? आपके सम्मुख आने से पहले हमने आत्मदाह क्यों ना कर लिया प्रभु? हमारे प्राण ले लीजिए प्रभु, हम आपकी शरण में रहने योग्य नहीं। तुम लोग ऐसी निरर्थक बातें क्यों कर रहे हो? हमें क्षमा करें प्रभु, कलंकित जीवन जीने से मृत्यु अच्छी है। हम माता सती को क्या हुआ? सती को स्पष्ट कहो नंदीश्वर, क्या हुआ सती को? दक्ष यज्ञ में आपके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों को ना सहन करके माता सती ने आत्मदाह कर लिया प्रभु। क्या कहा? सती ने आत्मदाह कर लिया? हाँ प्रभु, यज्ञ में जाने के पश्चात माता सती ने आपको निमंत्रण ना देने का कारण जानना चाहा, किंतु शिवद्रोही दक्ष आपके प्रतिनिंदनीय शब्दों का प्रयोग करने लगा। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के अतिरिक्त वहां समस्त देवता उपस्थित थे, किंतु किसी की बात ना मानकर अहंकारी दक्ष बारंबार आपका अपमान करता रहा। भरे यज्ञ मंडप में आपका अपमान माता सती के लिए असह्य हो गया प्रभु, और उन्होंने आत्मदाह करने का निर्णय कर लिया प्रभु, आत्मदाह करने का निर्णय कर लिया प्रभु। असह्य वेदना से क्रोधित होकर हम दुष्ट दक्ष के प्राण ले लेना चाहते थे, किंतु दक्ष शुभचिंतक शिवद्रोही भृगु ने अपने तपोबल से प्रभुओं को प्रकट किया। तपोबल से उत्पन्न शक्तिशाली रिभु संख्या में भी हमसे अधिक थे, हमें पराजित होना पड़ा। हम दंड के भागी हैं महादेव, आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है प्रभु। दंड अवश्य मिलेगा। किंतु तुम लोगों को नहीं, उन शिवद्रोहियों को दंड मिलेगा जिनके कारण सती को आत्मदाह करना पड़ा। रुद्रदेव की जय हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? कहिए तो पल भर में समुद्र को जल विहीन कर दूं, पर्वतों को चकनाचूर कर दूं, क्षण में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं। आज्ञा दीजिए प्रभु, कौन सा असंभव कार्य करना है? वत्स, इस सृष्टि में तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, किंतु तुम्हें सदैव भद्र अभद्र का ध्यान रखना होगा। भद्रवीर, संसार में तुम वीरभद्र के नाम से जाने जाओगे। भगवान, मेरे जन्म धारण का उद्देश्य क्या है? शिव द्रोहियों के संहार तथा शिव भक्तों की रक्षा के लिए ही तुमने जन्म धारण किया है वीरभद्र। महादेव, भगवान भोलेनाथ का शत्रु बनकर भला इस संसार में कौन जीवित रह सकता है? आज्ञा कीजिए, कौन है वो शिवद्रोही जिसके संहार के लिए मेरा जन्म हुआ है? ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष के हृदय में दुष्टता एवं झूठा अभिमान प्रवेश कर गया है वीरभद्र, अहंकारवश वह दुष्ट शिवद्रोही बन गया है। ब्रह्मापुत्र दक्ष शिवद्रोही? हां वीरभद्र, मुझे अपमानित करने के लिए उसने महायज्ञ आयोजित किया,
यज्ञ में उपस्थित समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों के सम्मुख उसने मेरे प्रति घृणित तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसे तुम्हारी माता शिव संगिनी सती सहन न कर सकी। उन्हें मेरे सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान देना पड़ा। मैं भगवान रुद्रदेव के चरणों की सौगंध लेकर कहता हूं कि मैं उस शिवद्रोही दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके उसे ऐसा भयंकर दंड दूंगा कि फिर कोई दुष्ट शिवद्रोह करने का साहस न करे। मुझे आज्ञा दे महादेव। जाओ वीरभद्र, शिव इच्छा अनुसार अपना कार्य पूर्ण करो। नंदीश्वर। आज्ञा प्रभु। वीरभद्र के साथ जाओ, शिव द्रोहियों को उनकी करनी का दंड दो। जो आज्ञा प्रभु। देवाधिदेव महादेव की जय। हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जाइए नहीं, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। दक्ष, मंगल कामना से किया जाने वाला यज्ञ अमंगलकारी रूप धारण कर चुका है। अब यहां एक पल भी रुकना असह्य हो गया। भगवान विष्णु, इस अमंगल से मेरे उद्धार का कोई उपाय सोचिए। आप चले गए तो प्रलय हो जाएगा भगवान, प्रलय हो जाएगा। दक्ष, महाप्रलयकारी शिव शरण में जाने के अतिरिक्त अब कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है। भगवान शिव के कोप से आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। आपने स्वयं अनर्थ को आमंत्रण दिया है। शिव द्रोही दक्ष, अहंकार वश तूने यज्ञेश्वर महादेव को यज्ञ का निमंत्रण तो नहीं दिया, किंतु महाकाल के प्रलय कोप को निमंत्रण दे बैठा। अब तेरे साथ समस्त शिव द्रोहियों की मृत्यु सुनिश्चित है। रक्षा कीजिए रोगीनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। शिव प्रकोप से मुझे बचाइए प्रभु, शिव प्रकोप से बचाइए प्रभु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहां है दुष्ट दक्ष, कहां है? शरणागत की रक्षा कीजिए प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। दक्ष, मैं तुम्हें वचन तो नहीं देता, किंतु तुम्हारे प्राणों की रक्षा का प्रयत्न करूंगा। प्रभु, कहां है, कहां है दुष्ट दक्ष? दुष्ट, कहां है शिवद्रोही? वीरभद्र, ये रहा शिवद्रोही दक्ष। शिवद्रोही दक्ष, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए इस त्रिलोक में कोई नहीं है। दक्ष मेरे शरणागत हैं, इनके प्राण लेने वाले आप कौन हैं? महाकाल का संकल्प वीरभद्र, शिवद्रोही के प्राणों की रक्षा करने वाले आप कौन हैं? शिव भक्त विष्णु। झूठ, आप कदापि शिव भक्त नहीं हो सकते। यदि आप शिव भक्त हैं तो एक शिवद्रोही को शरण देने का कारण? भगवान शिव शंकर के शरण में जाकर इनके प्राणों की भिक्षा मांगने के उद्देश्य से मैंने इन्हें इनके प्राणों की रक्षा का वचन दिया है। किंतु स्वामी की आज्ञा अनुसार मैं शिव शत्रु का विनाश करने यहां आया हूं। कोई भी शिव द्रोह करने का साहस करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। यदि आपने दक्ष के प्राणों की रक्षा का वचन दिया है तो एक शिव भक्त को दूसरे शिव भक्त से युद्ध करना पड़ेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। संसार में तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, तुम्हारा अंत निश्चित है।
वीरभद्र, दक्ष अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं है, इसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। माता सती, मैं यहां समय पर न पहुंचकर आपके प्राण नहीं बचा पाया। मैं इसके लिए लज्जित हूं माता, मुझे क्षमा करना माता, मुझे क्षमा करना। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर।